अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप हर रोज़ देखते रहते हैं कि YouTube पे जितने भी ड्रामा सीरीज चल रहे हैं तो उनकी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में लोग एडवांस में वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं। उनमें इस वक्त जो ट्रेंड पे ड्रामा सीरियल चल रही है वो है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद में आपने लास्ट जो एपिसोड आई थी उसमें आपने देखा होगा के शिरवार पे वैसे भी एक अटैक हो चुका था और उसके बाद दोबारा उसने CSS के पेपर्स के लिए जाना था, जो कि वो बगैर किसी प्रोटोकॉल के पेपर देने गई तो उस पे जो अटैक हुआ, तो उस हिसाब से जो लोगों ने वीडियोस बना के YouTube पे अपलोड की हैं उनके अगर आप व्यूज़ देखते हैं तो आपको कुछ ऐसे फील होगा कि ये कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर्स हैं या फिर हम टीवी के खुद के यूट्यूब चैनल हैं जिन पे इतने व्यूज़ और सब्सक्राइब आ चुके हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो हम जैसे आम लोग हैं जो कि एडवांस में उन ड्रामास पे वीडियोस अपलोड करते हैं और अपने ही व्यूज देते हैं उन पे, अपने कमेंट्स देते हैं कि ऐसा कुछ होगा नेक्स्ट एपिसोड में, ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, तो लोगों की तवज्जो उनकी तरफ बहुत ज्यादा जाती है और लोग बड़े शौक से उनकी वो यूट्यूब की वीडियोस देखते हैं। कहने का ये मतलब रहा कि हम जो मुख्तलिफ कंटेंट बनाने की कोशिश में नाकाम जा रहे हैं तो हमको मुसलसल अब ये कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तानी ड्रामास हो या कोई और भी ड्रामास, उनकी फोटोज उन पे एक वीडियोस बना के उन पे अपने वॉइस का कंटेंट देके हम उन वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो हमारी अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी। क्योंकि मौजूदा वक्त ये चल रहा है कि अगर आपकी जेब में कुछ है तो ठीक, वरना जमाना भी आपको कहीं पे काउंट नहीं करता। आजकल वैसे भी बेरोजगारी है तो ये सुनहरा मौका है, आप खुद को YouTube पे लाएं और अपना मुस्तकबिल बनाएं।